नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट गोलू उर्फ योगी। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है पीजीआई करने जा रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज एक नया प्लान ढूंढे हमने। दिखाऊँ? बिल्कुल दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, आज का प्लान चाय बांटेंगे यार पीजीआई में। ये पार्ले जी के बिस्किट, कॉपीराइट ना जी, और ये चाय की केतलियाँ और एक ग्लास। यहाँ बनेगी हमारी चाय और वो पड़ा हमारा डोलू। डोलू कहते हैं इसको। पीजीआई में यार चाय पिलाने का मकसद यही था कि सुबह सुबह का टाइम है और जो वहाँ पे मरीज के रिश्तेदार होंगे वो बाहर ही सोए होते हैं ज़्यादातर लोग, तो अगर उनको चाय और बिस्किट मिल जाए तो देने वाले को मज़ा आता और खाने वाले को मज़ा आता। तो अभी 6:30 हो गया और हमारा आइडिया कि 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर दो ऐसे ऐसे डोंगे लाया हूँ मैं, तो उसमें 300 कप तो आराम से आ जाएंगे और इतने डिस्पोजेबल हैं तो मतलब ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा। सब तो नहीं कवर हो पाएगा लेकिन जितना हो पाएगा ठीक है। बस अब चाय बन रही है और इसको भी मैं सुबह सुबह उठा लाया, तैयार है बस चाय। ये दो भरते चाय बन के बस रेडी है। दोनों तरह से चाय बन रही है, एक दो इनको भरे जाएंगे दोनों को। दो बर्तन पूरे भर दिए हैं और एक थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी ना लीकेज है, तो अब ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते, जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा, पता लगे आधी रहेगी चाय। आराम से भाई। नीचे हाँ नीचे रख दो। हेलो, ये भाई हम तैयार हैं, अब पीजीआई आ गए, अब हम बंदे ढूंढेंगे और फिर शुरू कर देंगे। ठीक है, सीख लो अच्छे से, अब यही करना, एक एक कप खोल के सबको देते रहना और बिस्किट दे, खोलना पड़ेगा अभी बिस्किट। भैया स्टार्ट हो गया इधर, आ जाओ लाइन में आ जाओ। तो भाई देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा मतलब लोगों को पीनी थी चाय और बिस्किट वगैरह लेने थे, तो अभी भी भीड़ लगी हुई है आप देख सकते हो। तो यार यही मोटिव था कि सुबह का टाइम है और चाय मिल जाए और बिस्किट मिल जाए तो बढ़िया रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। तो यार यही है कि अब मोटिव तो यही था कि सबको मिल जाए, अभी वो शुरू ही हुआ है, बाकी देखो कैसा रहेगा। बाकी यहाँ पे कुछ तो नहीं आता यार, सब दुखी है, तो अगर उनको चाय और एक बिस्किट मिल जाए तो मज़ा ही आता है। तो भाई अब देख रहे हो यार कितना अच्छा लगता है जब ऐसे सेवा करने को मिले, और भगवान ने हमें इतना काबिल बना दिया कि हम इनकी सेवा कर सके, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े तक खा रहे हैं और यार सब दुखी है तो सबको चाय मिल जाए। आ जाओ भैया चाय ले लो, आ जाओ आ जाओ। देख रहे हो भाई, जान देख रहे हो भाई, मैं एक हाथ से उठा रखा है तो तुमसे 20 किलो बजाएगा। 20 किलो साले 5 किलो भी नहीं है वो। वहां तो वो लोग चाय बांट रहे, मैंने उनको अपनी ड्यूटी सौंप दी, लेकिन यहाँ देखो यार कितने लोग पीजे आते हैं, कितने बाहर जाते हैं, कितने लोग अंदर है, कितने लोग मरने की हालत में और कितने लोग आदमी का। तो यही है पीजीआई की सच्चाई, तो यहाँ जितना हो सके भाई हेल्प करो यार सबको जितना हो सके। यार टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मंदिरों में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे अगर आप डोनेट करो तो मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट मंदिर से ज़्यादा अच्छा पीजीआई है, तो पीजीआई में जितना हो सके यहीं करो यार, यहाँ पे अच्छा भी लगता है करके। चाय
चाय चाय चाय चाय चाय भैया चाय भाई, चाय हमारी फाइनली खत्म हो गई और मजा आ गया बांट के भाई, स्वाद आ गया। चाय खत्म हो गई है, अच्छा लग रहा है। बिस्कुट भी और केले लाए हम, झूठ नहीं बोलना भाई, रियल रहना यूट्यूब में। तो भाई मजा आया, मजा आया काफी, पसीने पसीने हो गए, 4 घंटे लग गए। और काफी बड़े बड़े ड्रम थे यार, 10-10 किलो के ड्रम थे और 10 किलो चाय थी अंदर, 20-20 किलो के दो ड्रम थे। और मजा आया, चाय लीटर में किलो में होती है। और बाकी जिसको भी 4 घंटे साढ़े 6 निकले थे, 10-10 किलो के अगर 2 साढ़े हुई तो फिर चाय 20 किलो नहीं हुई। तो अगर जिसको भी भंडारे लगाने ना, वो पीजे ही लगाना यार, पीजे से अच्छा कुछ नहीं है। क्यों भंडारे तो लगाने नहीं देते अंदर, यहाँ पे सब लोग दुखी है, और अगर दुखियों को खाना खिलाओगे तो भगवान खुशियाँ देगा। और चुप रह लो यार, हाँ मैं खुश तो उनको अच्छा लगा चाय। बट किसी भंडारा लगाना तो लगाएगा कहाँ पे, ये जगह तो पता कहाँ लगाएगा। हाँ पीजे के बाहर लगा सकते हो उसे तो, पर अंदर अलाउड नहीं है। तो बाकी अपनी शक्ल के ऊपर है, अगर आप इनोसेंट हो तो वो मान जाते हैं ऐसी। तो आज हमने अच्छा भंडारा लगाया, फ्री का अंदर लगाया, सबको बांटा। तो हमने 400 लोगों को मतलब फ्री में खाना खिलाया। जाने दो यार, देखा मेरे पार्किंग फ्री में होगी, चाय पिला दी भैया को, 10 रुपए की पार्किंग थी, 10 की चाय पिला दी, तो पार्किंग फ्री होगी। चल अब मैं थोड़ा बंद करता हूँ, भूख लग रही है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। और यही है, भंडारा लगाना है। और जिसको भी कुछ पूछना है ना तो पूछ सकते हो आप कमेंट्स में या इंस्टा पे कि कैसे लगाना। तो पाल ढाबा चलते हैं, अब वहाँ के वहाँ के खाएंगे। भाई अब पाल ढाबा आके अच्छा लग रहा है। अब हमने यहाँ पे तंदूरी परांठे और लस्सी मंगाई है, तो यहाँ पे पी के अब घर पे एडिटिंग करूँगा। और बहुत नींद आ रही है, पर दिल को अच्छा लग रहा है कि आज हमने 400 लोगों को चाय और क्या पिलाया, 300 बिस्कुट पिलाया, बिस्किट बोलते हैं। देख हमने केतले में भरी है ना, केतलियाँ बड़ी बड़ी केतलियाँ, कप भी तो भरे, कप भी भरे हमने। और मैं 6 बजे उठ गया था मैं, और फिर हम चाय वाले के गए, फिर मैं अच्छा उठाया। अब यहाँ पे तंदूरी परांठे खाते हैं, फिर बस चलते हैं। और हाँ गिवअवे आने वाला जल्दी, तो वेट करना टिकट्स अभी मैं भी कर सकता हूँ। कमाता कौन है भाई, क्या बोल रहा तू, सबको कोई नहीं कमाता भाई, चलो वेट करना गिवअवे। मैं भी पार्टी कैसे कर सकते हैं गिवअवे में।